इस बीच बड़ी खबर आपको बताए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का जो ऐलान है वो जल्द होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट में 11 सदस्य होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की। ट्रस्ट में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव होंगे। इसके अलावा ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के भी प्रतिनिधि होंगे, अयोध्या के डीएम होंगे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जो हमें सूत्रों जानकारी मिल रही है, ट्रस्ट 11 सदस्यीय होगा और क्योंकि मकर संक्रांति के बाद होना था तो हमें जो बताया जाए कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें 5 सदस्यों का होना लगभग तय है, चाहे वो चंपत राय जी हो, महंत नित्य गोपाल दास है राम जन्मभूमि के, निर्मोही अखाड़ा चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका एक नुमाइंदा होंगे, अयोध्या के डीएम जो पदेन होंगे वो होंगे, एक होम मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी, बाकी जो 6 सदस्य होंगे वो अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, चाहे वो एक सीए हो या फिर आर्किटेक्चर हो या इस तरह के समाज के विभिन्न वर्गों से। लेकिन जो हमें एक जानकारी मिल रही है, मंदिर का निर्माण जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है, चैत्र नवरात्र वर्ष प्रतिपदा जो शुरू होता है उसके अनुसार 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में भवन निर्माण का काम शुरू हो सकता है। और इसके लिए बकायदा जो और पैसे की जो बात है इसका भी एक रणनीति बनाई गई है कि जिसमें सबसे ज्यादा जन भागीदारी हो सके उसके लिए पर्ची का सिस्टम होगा, घर घर जाकर चंदा वसूला जाएगा, एक अकाउंट भी खोला जाएगा अलग से, जो ऑनलाइन भी चाहेंगे तो वो जमा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जल्द ही ट्रस्ट का ऐलान हो जाएगा और माना जा रहा है कि इस साल जो नया वर्ष शुरू होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, हिंदुस्तानी कैलेंडर के अनुसार, उसके अनुसार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। वैसे भी अमित शाह की तरफ से कहा जा चुका है गगनचुंबी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का आसमान छूता राम मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर निर्माण होगा, उसके लिए काम भी तेजी से, मंदिर निर्माण ट्रस्ट को लेकर, मंदिर ट्रस्ट जो बनना है उसके लिए जो है काम भी तेजी से शुरू हो चुका है।